हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड हब। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, लेकिन इस वीडियो में जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, उस कंटेंट को सुन के आप ही हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने फटे सड़े या गले नोट को कैसे एक्सचेंज करें, और आप उस नोट को एक्सचेंज करने के बदले आपका जो नोट का वैल्यू, आपको 100% उस वैल्यू की कीमत कैसे मिले। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कितने प्रकार के नोट होते हैं। तो पहला होता है फटा नोट, दूसरा होता है सड़ा नोट, और तीसरा होता है जला नोट। अगर आपके पास ये तीन टाइप में से किसी भी नोट है तो आपको इसके बदले आपकी 100% कीमत मिल सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आप ये तीन जगह पे कहीं भी जा सकते हो, आरबीआई के चेस्ट ऑफिस, दूसरा किसी भी पीएसयू बैंक, और तीसरा कोई भी प्राइवेट बैंक के चेस्ट ऑफ किसी भी प्राइवेट बैंक के चेस्ट ऑफिस में। अगर आपको नहीं मालूम कि पीएसयू बैंक कौन कौन से है, तो मैं सामने में लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख लेना कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं। तो आप इस वहां पे जाके अपने नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हो आरबीआई पॉलिसी के अनुसार से। तो उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया आपको पूरा जान लेना चाहिए। तो जो अगर आपका नोट फटा हुआ है, सिर्फ जो नोट फटा हुआ और ऊपर का जो ऊपर और नीचे का जो नंबर है अगर आपका 100% शो कर रहा है, तो आपको उस नोट के वैल्यू 100% वैल्यू मिलेगी। आप नोट एक्सचेंज करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक अकाउंट में अकाउंट होना चाहिए, आप किसी बैंक में जाके अपना नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आप 18 प्लस होने चाहिए, आप माइनर हो तो भी आप इस नोट एक्सचेंज पॉलिसी का फायदा उठा सकते हो। आपको फुचका और पास जाके एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जाके अपना जो टोकन नंबर है, अगर आप जो नोट का नंबर है अगर वो 100% दिख रहा है, नोट फटा हुआ है सिर्फ, तो आप किसी बैंक में जाके उसको एक्सचेंज करोगे तो आपको 100% उसकी कीमत मिल जाएगी। तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट है कि अगर आपका नोट नंबर ऑफ नोट्स, अगर आप 20 नोट से ज्यादा एक दिन में एक्सचेंज नहीं करा सकते, और उस 20 नोट की वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। कोई बैंक 5000 रुपए से ज्यादा के नोट्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उसका जो मनी होता है, आपको जैसे 5000 रुपए पहला दिन मिला तो दूसरा दिन आपको 5000 मिलेगा, एक ही संग आपको 10000 रुपए नहीं मिलेगा, और उसमें बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स भी चार्ज करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के नोट जो होते हैं सॉइल नोट, जिसको हम लोग सॉइल नोट बोलते हैं। ये सड़े गले नोट होते हैं। तो सड़े गले नोट्स के रूल होते हैं कि अगर आपका नोट 10 रुपया या 10 रुपये से ज्यादा का है, और उसपे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, नोट्स के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट का जो अशोका पिल्लर का सिग्नेचर, वाटरमार्क, और ये सब जो फीचर्स होते हैं, अगर वो शो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, उसका जितना वैल्यू शो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उस पे आपकी रिफंड वैल्यू मिलेगी आरबीआई पॉलिसी के अनुसार। लेकिन अगर आपका नोट जला हुआ है और वो 10 रुपए ऐसे 20 रुपए के बीच में है, और आपके पास उसके 50% से ज्यादा हिस्सा प्रेजेंट है, आपके पास अगर आपके पास 10 या 20 रुपए का नोट है और वो जला हुआ है, तो अगर आपके पास उस नोट का 50% से ज्यादा हिस्सा पता है, तो आपको उस नोट के बदले आपकी पूरी कीमत वापस मिल जाएगी। वहीं अगर नोट 50 रुपए से ज्यादा का है और वो नोट का हिस्सा 40% से कम है, तो आपको उसके बदले 1 रुपए भी नहीं मिलेगी। और वहीं अगर 40 से 80% का हिस्सा है, तो आपको उसके बदले, आपको 40 अगर 80% के हिस्सा है, आपको उसके बदले 50% की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 1000 रुपए ले जाते एक्सचेंज करने और उसका 40 से 80% का हिस्सा आपके पास है, तो आपको उसके बदले हाफ वैल्यू मिल जाएगी, यानी 500 रुपए मिल जाएंगे। वहीं अगर आपका नोट का बचा हुआ हिस्सा 80% से ज्यादा है, तो आपको उसके बदले पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो में अभी एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर कोई भी बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक अगर आपको नोट को एक्सचेंज करने के लिए मना कर देता है, तो आप सिंपली एक रिकॉर्डिंग, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आरबीआई के मेल पे मेल कर सकते हो, और उसका टाइटल क्लेम ऑफ डैमेजेस देखें। आप अपना पूरा पैसा तो रिकवर करोगे, संग में आपको 10,000 रुपीज आरबीआई की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।